नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम 7 फरवरी का करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। 7 फरवरी 2019 को वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पीएम मोदी ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? ए विशाखापत्तनम में, बी मुंबई में, या सी असम में? इसका सही आंसर है ए विशाखापत्तनम में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 1.33 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाले विशाखापत्तनम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और राज्यपाल कौन है? ESL नरसिम्हन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्र ने एशियाई शेर संरक्षण के लिए 59 करोड़ रुपए कहाँ आवंटित किए हैं? ए गुजरात के गिर में, या उत्तर प्रदेश में, या सी असम में? इसका सही आंसर है ए गुजरात के गिर में। सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के गिर में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पर्यावरण मंत्रालय ने गुजरात राज्य के सहयोग से 3 वर्षीय एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुजरात राज्य के सहयोग से 3 वर्षीय एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव 2019 कहाँ शुरू हुआ? ए मुंबई में, या बी नई दिल्ली में, या सी उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर है ए मुंबई में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? काला घोड़ा महोत्सव भारत का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक स्ट्रीट फेस्टिवल है। भारत का सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल कौन सा है? काला घोड़ा महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 4, सोपान 2019 महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी हैदराबाद में? इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली में। सोपान 2019 महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मूल्य जांच और अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? ए केरल है, बी दिल्ली है, या सी मुंबई? इसका सही आंसर है ए केरल। इसका सही आंसर है ए केरल। मूल्य जांच और अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला राज्य कौन है? केरल है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है, क्या है? केरल के पीएम कौन है? पिनारई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? पलानी स्वामी सत शिवम। इस चीज़ को ध्यान रखें, केरल के सीएम कौन है? पिनारई विजयन है। राज्यपाल कौन है? पलानी स्वामी सत शिवम है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इसरो ने बेंगलुरु में गगनयान मिशन के लिए कौन सा केंद्र स्थापित किया? इसका सही आंसर है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है। कौन सा मिशन है? मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र से गगनयान मिशन को स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? इसरो के निदेशक कौन है? के सिवान है इसरो के निदेशक हैं के सिवान। और मुख्यालय कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हाल ही में ADB एशियाई विकास बैंक ने अन्नपूर्णा फाइनेंस में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? ए 15% है, बी 16% है, या सी 14% है? इसका सही आंसर है सी 14% हिस्सेदारी खरीदी है। एशियाई विकास बैंक ने अन्नपूर्णा फाइनेंस में 14% की हिस्सेदारी खरीदी है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और मनीला फिलीपींस के मनीला में है। इसके अध्यक्ष कौन है? ताके हिको नाकाओ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में देश भर में शहरी समृद्धि उत्सव कहाँ लॉन्च किया गया? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, या सी हैदराबाद में?
इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली में। देशभर में शहरी समृद्धि उत्सव कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी शहरी मामलों मंत्रालय के मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कहाँ हुई? ए, नई दिल्ली में, बी, मुंबई में, या सी, कोलकाता में। इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली में। 30वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, पीवी भारती को, बी, संजीव चड्ढा को, सी, प्रदीप सिंह खरोला को। इसका सही आंसर है पीवी भारती। पीवी भारती को कॉरपोरेशन बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? कॉरपोरेशन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बैंगलोर में है। इसकी टैगलाइन क्या है? ए, प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक। टैगलाइन क्या है? ए, प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।